वेलकम बैक टू न्यू वीडियो स्टूडेंट। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि हम एक ही टाइम पे किस तरीके से बहुत सारे टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं अपने टाइम को बचाते हुए। तो पहले मैं आपको नोटिस करता हूँ कि जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको ट्यूब अरेंज कर लेने। जैसे अभी यहाँ पर देखो CBC एसर कोलेस्ट्रोल TG यूरिया, तो तीन ट्यूब इधर यूरिया यूरिक एसिड फॉस्फोरस, तो इधर 3, 6, 7 फास्टिंग PP 8 ट्यूब हमें इनके लिए लगेंगे और फिर उसके बाद फास्टिंग PP ये हमारे पेशेंट का है तो 2-10 ट्यूब, तो टोटल और बिली के लिए हम 4 ट्यूब लेते हैं तो 14 ट्यूब हमें लगने वाले हैं। तो पेशेंट वाइज हमें रख लेना है और टाइम के हिसाब से कि किस टेस्ट को कितना। तो शुगर के लिए हमारे पास ट्यूब हमने अरेंज किया, फिर उसके बाद में अब टाइम के हिसाब से करेंगे तो कोलेस्ट्रोल TG ये 10-10 मिनट का टाइम लेगा, यूरिक एसिड और ये हो गया हमारा, ये यूरिक एसिड भी 10 मिनट का टाइम लेगा, क्रिएट इंस्टेंट होता है, और फॉस्फेरस के लिए हमें 5 मिनट रुकना रहता है, कैल्शियम मोनोवाइल है तो 5 मिनट में हो जाता है, और फिर उसके बाद में हम उसको फास्टिंग PP तो हमने ले लिया है 15 मिनट का है, बाकी सारे 10 मिनट का है, क्रिएट और फॉस्फेट, क्रिएट तो इंस्टेंट होगा, यूरिक एसिड फॉस्फेरस, और सेम इस पेशेंट के लिए फास्टिंग PP हमने ले लिया। तो जब अब हम शुगर लगाएंगे तो 15 मिनट इसका टाइम लेगा, और कोलेस्ट्रोल TG और फिर उसके बाद अपना यूरिक एसिड इसके लिए हमारा 10 मिनट ले लेगा, और क्रिएट और फिर कैल्शियम मोनोवाइल रहेगा। इस तरीके से हम 15 मिनट के अंदर में अपने सारे टेस्ट को कर लेते हैं कवर, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में कंटिन्यू एक्सप्लेन करते हुए सब कुछ बताऊंगा। तो अभी हमने इसमें ये शुगर के लिए रिएजेंट सारे ले लिए, और ये हमारा हो गया कोलेस्ट्रोल TG यूरिक एसिड, और ये हमने ले लिया फॉस्फेरस, और ये हमारा कैल्शियम मोनोवाइल, और ये हमारा क्रिएट। तो स्टार्ट जो हमें क्रिएट से करें क्योंकि क्रिएट में कोई टाइमिंग वेटिंग वगैरह नहीं है, तो जब हम क्रिएट में सीरम डालने के बाद में जब प्रोसेस करेंगे तो उतनी ही देर में हम अपने बाकी सारे इसमें सैंपल डाल देंगे। सैंपल डालने के बाद शुगर वाले में आपको कलर चेंज देखने मिलेगा, ठीक है। तो शुगर वाले में ये 3 ट्यूब है जो स्टार्टिंग है ना शुगर के, आपको उसमें कलर चेंज करने मिलेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू रहना, आपको बाकी सब समझ में आएगा कि कैसे हमारा 15 मिनट के अंदर में सारा टेस्ट होता है। तो ये हमारा हो गया, ये सारे में हमने सीरम डाल दिया, तो ये शुगर का हो गया, ये कोलेस्ट्रोल TG हो गया, यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फेरस हो गया, और हमारा कैल्शियम हो गया। हमने सबका टाइमिंग सेट कर दिया है, उस टाइमिंग के हिसाब से हम मेकअप को रन करते जाएंगे। और जो क्रिएट है वो हमने ऑलरेडी डाल दिया है। तो इस तरीके से हम कितना भी टेस्ट होता हम अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में यही बताने के लिए मैंने किया है कि आप किस तरीके से अपना टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हो जब आपका स्पीड बढ़ जाता हो। तो ऐसा नहीं कि आपने जस्ट लैब चालू किया या आप सीख रहे हो तो आप बस इस चीज़ को कर रहे हो, ऐसा नहीं। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो स्टूडेंट। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि हम एक ही टाइम पे किस तरीके से बहुत सारे टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं अपने टाइम को बचाते हुए। तो पहले मैं आपको नोटिस करता हूँ कि जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको ट्यूब अरेंज कर लेने। जैसे अभी यहाँ पे देखो CBC एसर कोलेस्ट्रोल TG यूरिया, तो 3 ट्यूब इधर यूरिया यूरिक एसिड फॉस्फेरस, तो इधर 3, 6, 7 फास्टिंग PP 8 ट्यूब हमें इनके लिए लगेंगे, और फिर उसके बाद फास्टिंग PP ये हमारे पेशेंट का है तो 2-10 ट्यूब, तो टोटल और बिली के लिए हम 4 ट्यूब लेते हैं तो 14 ट्यूब हमें लगने वाले। तो पेशेंट वाइज हमें रख लेना है और टाइम के हिसाब से कि किस टेस्ट को कितना। तो शुगर के लिए हमारे पास ट्यूब हमने अरेंज किया, फिर उसके बाद में अब टाइम के हिसाब से करेंगे तो कोलेस्ट्रोल TG ये 10-10 मिनट का टाइम लेगा, यूरिक एसिड और ये हो गया हमारा, ये यूरिक एसिड भी 10 मिनट का टाइम लेगा, क्रिएट इंस्टेंट होता है, और फॉस्फेरस के लिए हमें 5 मिनट रुकना रहता है, कैल्शियम मोनोवाइल है तो 5 मिनट में हो जाता है, और फिर उसके बाद में हम
स्कोर फास्टिंग पीपी तो हमने ले लिया 15 मिनट का है, बाकी सारे 10 मिनट का है। क्रिएट और फॉस्फ, क्रिएट तो इंस्टेंट होगा, यूरिक एसिड फॉस्फेरस, और सेम इस पेशेंट के लिए फास्टिंग पीपी हमने ले लिया। तो जब अब हम शुगर लगाएंगे तो 15 मिनट इसका टाइम लेगा, और कोलेस्ट्रोल, टीजी, और फिर उसके बाद अपना यूरिक एसिड, इसके लिए हमारा 10 मिनट ले लेगा, और क्रिएट और फिर कैल्शियम मोनोमाइल रहेगा। इस तरीके से हम 15 मिनट के अंदर में अपने सारे टेस्ट को कर लेते हैं कवर, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में कंटिन्यू एक्सप्लेन करते हुए सब कुछ बताऊंगा। तो अभी हमने इसमें ये शुगर, शुगर के लिए रिएजेंट सारे ले लिए, और ये हमारा हमारा हो गया कोलेस्ट्रोल, टीजी, यूरिक एसिड, और ये हमने ले लिया फॉस्फेरस, और ये हमारा कैल्शियम मोनोमाइल, और ये हमारा क्रिएट। तो स्टार्ट जो हमें क्रिएट से करें, क्योंकि क्रिएट में कोई टाइमिंग वेटिंग वगैरह नहीं है। तो जब हम क्रिएट में सीरम डालने के बाद में जब प्रोसेस करेंगे, तो उतने ही देर में हम अपने बाकी सारे इसमें सैंपल डाल देंगे। सैंपल डालने के बाद शुगर वाले में आपको कलर चेंज देखने मिलेगा, ठीक है। तो शुगर वाले में ये 3 ट्यूब है जो स्टार्टिंग है ना शुगर के, आपको उसमें कलर चेंज करने मिलेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू रहना, आपको बाकी सब समझ में आएगा कि कैसे हमारा 15 मिनट के अंदर में सारा टेस्ट होता है। तो ये हमारा हो गया, ये सारे में हमने सीरम डाल दिया। तो ये शुगर का हो गया, ये कोलेस्ट्रोल, टीजी हो गया, यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फेरस हो गया, और हमारा कैल्शियम हो गया। हमने सबका टाइमिंग सेट कर दिया है, उस टाइमिंग के हिसाब से हम मेकअप को रन करते रहेंगे। और जो क्रिएट है वो हमने ऑलरेडी डाल दिया है। तो इस तरीके से हम कितना भी टेस्ट होता हम अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में यही बताने के लिए मैंने किया है कि आप किस तरीके से अपना टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हो, जब आपका स्पीड बढ़ जाता हो। तो ऐसा नहीं कि आपने जस्ट लैब चालू किया या आप सीख रहे हो तो आप बस इस चीज़ को कर रहे हो, ऐसा नहीं।